मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाएं, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ प्योर रस का ऑर्गेनिक नीम ऑयल। वैसे तो हम सबको पता है कि नीम के फायदे, हम सबको पता है कि वो हमारे स्किन और बालों के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो उसके जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है और उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हमारे स्किन के लिए और हमारे हेल्थ की ओवरऑल ग्रोथ और उसके पोषण के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। तो दोस्तों, ये है प्योर रस का ऑर्गेनिक नीम ऑयल जो कि 220 ml की बॉटल में आती है और ये हमको मिलती है लगभग 150 रुपीस की है। ये 150 रुपीस की है और ये काफ़ी अच्छा नीम ऑयल है। और इसका जो आप यूज़ है आप कैसे कर सकते हो, आप इसका जो कुछ ड्रॉप्स अपने बालों पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, उसकी मसाज कर सकते हो। और स्किन पे अगर आप चाहे, मैंने स्किन पे तो इसका यूज़ नहीं किया है क्योंकि एक्ने प्रोन की ही यहाँ पर आपको दावा तो कर देगा, अगर आपकी एक्ने हो तो आप यूज़ कीजिएगा, पर मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप स्किन पर यूज़ करेंगे। हाँ, पर आप बालों पर डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैंने ये बालों पर यूज़ किया है। मैं क्या करती हूँ, अपने जो ना बाल धोने के पहले एक दो घंटा हम जो भी कोकोनट ऑयल है उसमें इसके कुछ ड्रॉप्स डाल देती हूँ, 7-8 ड्रॉप्स इसके डाल देती हूँ और मिक्स करके अपने बालों को अच्छे से मसाज करती हूँ। तो दोस्तों, नीम ऑयल जो है ये हमारे बालों का जो डैंड्रफ है, इन्फ्लेमेशन है, उसको काफ़ी हद तक ये कम करता है क्योंकि हमको प्रॉब्लम होती है जैसे बालों में खुजली होना, डैंड्रफ होना और इस तरह से जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, तो ये काफ़ी हद तक ही इसको कम करेगा। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो ये आपको वो प्रॉब्लम भी ख़त्म कर देगा। तो इसके जो क्री इंग्रेडिएंट्स है वो है कोल्ड प्रेस यानी नीम ऑयल, नीम से ही बना हुआ है बस इसमें। और ये इंडिया में बना हुआ है क्योंकि हम सबको पता है नीम का यूज़ इंडिया में कितना सारा होता है और काफ़ी सदियों से किया गया है। तो इसके जो बेनिफिट्स है वो आपके हेयर को बनाता है हेल्थी, बनाता है वॉल्यूमस, बनाता है रेडिएंट, बनाता है और ओवरऑल आपके बालों को जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे डैंड्रफ, इचिंग, बालों का गिरना, झड़ना, ड्राई होना, ये सब आपके बालों को काफ़ी हद तक ये कम कर देगा। तो ये इसकी जो बॉटल है वो काफ़ी आपको मिल जाता है, ये आसानी से आपको काफ़ी 1 साल या 1.5 साल तक ही रह जाए, इसकी शेल्फ लाइफ भी 2 साल। और इस ऑयल का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी थिक है और इसकी ऑयल जो स्मेल है, इस ऑयल की जो स्मेल है वो थोड़ी कड़वी सी आती है। शायद जब शुरू में आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको उतना पसंद नहीं आएगा इसकी स्मेल, पर आपको अगर आप धीरे धीरे इसकी आदत बन जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैंने भी शुरू में जब इसको लगाना शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, पर जब आप इसको लगाना शुरू करेंगे रेगुलर में तो आपको आदत हो जाएंगे और इसके बेनिफिट्स है वो देख के तो आप सब भूल जाएंगे कि इसकी स्मेल क्या है और इस थिकनेस क्या है। तो ये काफ़ी अच्छा है ऑयल, तो आप ये डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। प्योर रस है ऑर्गेनिक का नीम ऑयल, मैंने ये अमेज़ॉन से परचेस किया है। मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको लगता है अगर आप भी ढूंढ रहे हो अच्छा सा नीम ऑयल तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा रिव्यू इस नीम ऑयल के बारे में जो कि मैंने खुद ट्राई किया है और इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप भी ढूंढ रहे हो कुछ अच्छा सा नीम ऑयल जो आपके बालों को या फिर आप स्किन को हेल्पफुल रहे, तो उसके लिए ये रिव्यू आपको हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे फैमिली का हिस्सा बन सकें। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।